नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आपको पता कि हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लागू है, तो बैंकों और ATM को लेकर सरकार के द्वारा कुछ फैसला लिया गया। अभी अभी नोटिफिकेशन जारी की गई है और आपके बहुत सारे प्रश्न भी थे बैंकों और ATM की समय सारणी को लेकर। तो बैंकों में दोपहर 1 बजे तक ही होगा लेन देन, चलते रहेंगे ATM। तो पूरी अपडेट क्या है, हिमाचल प्रदेश में मंगलवार से सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक ही लेन देन का काम होगा और 2 बजे बैंक बंद हो जाएंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने कोरोना कर्फ्यू के नए नियमों के चलते जो फैसला लिया है, सोमवार को समिति ने सभी बैंक अधिकारियों और वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि मंगलवार से शाम 4 बजे की बजाय अब 2 बजे तक बैंक खुलेंगे। ग्राहकों को दी जाने वाली सेवा सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक मिलेगी। 31 मई तक हर शनिवार को बैंक बंद रखे जाएंगे। तो देखिए, बिल्कुल डिटेल में जानकारी है। अब आपका इनसे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न, बैंक और ATM से जुड़ा हुआ प्रश्न बाकी नहीं रहना चाहिए आपके माइंड में। तो ध्यान से आपने सारी जानकारी को समझना है। तो बैंक में, और देखिए, हर शनिवार बैंक 31 मई तक, हर शनिवार तक बैंक बंद रहेंगे और ग्राहकों को जो सेवा मिलेगी वो मिलेगी 10 से 1 बजे तक। बैंक में मास्क पहनकर ना आने वाले और उचित दूरी बनाकर अपनी बारी का इंतजार ना करने वाले ग्राहकों को सेवाएं नहीं दी जाएंगी। बैंकों की ओर से स्थापित आधार सेंटर भी 31 मई तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने सभी बैंकों को ATM में पर्याप्त नकदी रखने को कहा है। समय समय पर ATM को जाँचने के लिए भी कहा गया है ताकि नकदी के अभाव में आम जनता को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बैंक प्रबंधनों को सिर्फ 50% स्टाफ को ही बुलाने के लिए कहा गया है। इसके अलावा देखिए, जो जो बैंक कर्मचारी हैं उनको प्राथमिकता पर वैक्सीनेशन का भी आश्वासन दिया गया है। राज्य स्तरीय बैंकर समिति की सोमवार को हुई ऑनलाइन बैठक में बैंक कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने का मामला भी उठा। प्रदेश सरकार के विशेष वित्त सचिव राकेश कंवर ने समिति को आश्वस्त किया कि इस बारे में स्वास्थ्य सचिव और मिशन डायरेक्टर से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर्स को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाई जाएगी। तो अब देखिए, बिल्कुल आपके सामने साफ है कि बैंक कब से कब तक खुलेंगे, कब तक ग्राहकों को सेवा दी जाएगी और आपको जो गाइडलाइंस है उनका पूरा पालन करना है। ATM खुले रहेंगे, उसमें कोई नकदी भी किसी नकदी भी किसी जो नकदी है उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। तो जैसे एक महत्वपूर्ण अपडेट थी, इस जानकारी को आपको अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना है क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बैंकों और ATM को लेकर पूछे गए थे। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण अपडेट भी आगे हमारे चैनल पर आती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा।